Moving on, Delhi police who arrived at Chief Minister Arvind Kejriwal's residence today to question him on the Slabgate controversy. They, in fact, went on to ask questions for 3 hours. Although the police were satisfied with the CM's answers, he is likely to be interrogated again. Just to remind you, the Slabgate controversy sprouted after Delhi Chief Secretary Anshu Prakash alleged that he was assaulted at the Chief Minister's residence on February 19th by AAP leaders during a meeting. करीब 3 घंटे हमने उनसे पूछताछ की और काफी सवालों का उन्होंने संतोषजनक जवाब दिया. कुछ सवाल के जवाब संतोषजनक नहीं थे. कौन से ऐसे सवाल थे जिनके जवाब जो अभी बताया नहीं जा सकता है. जरूरत पड़ी तो की जा सकती है. सर, वीडियो रिकॉर्डिंग दी जाएगी उन्हें? नहीं, उन्होंने मांग की थी. नहीं, उन्होंने मांग की थी, लेकिन उस मांग को हमने माना नहीं, क्योंकि जिस प्रोविजन के तहत उनको एग्जामिन किया गया उसमें उनको कॉपी देने का कोई प्रावधान नहीं है. तो क्या उनका कैमरा मौजूद था? नहीं, उनका कोई कैमरा अलाउ नहीं किया गया. कौन कौन लोग थे मौजूद? माननीय मुख्यमंत्री थे और उनके साथ उनके 2 वकील थे जो पूरे एग्जामिनेशन के दौरान उनके साथ बैठे रहे और उनकी मौजूदगी में ही उनसे सारे सवाल पूछे गए. आप जवाब से संतुष्ट हैं उनके? सभी सवालों से तो नहीं, कुछ सवाल से संतुष्ट नहीं है. डिप्टी सीएम से भी पूछताछ करेंगे, क्या प्रोसेस में है? इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है, आगे आपको बता दिया जाएगा. अगर जरूरत पड़ी तो उनसे पूछताछ की जाएगी. सीएम साहब ने रिस्पांस दिया आपको ठीक ठाक या नहीं? ही वॉज वेरी कोऑपरेटिव एंड एट द सेम टाइम एज आई सेड अर्लियर, कुछ सवालों के जवाब संतोषजनक नहीं थे. दोबारा से पूछताछ करना इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी का स्टैट्यूटरी राइट है ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन. आज मोर देन 150 क्वेश्चंस उनको पुट अप किए गए, जिसका सीएम साहब ने एक एक सवाल का एक्सप्लेन करते हुए स्पेसिफिक आंसर दिया. कुछ क्वेश्चंस रिपीटेटिव थे जो उन्होंने बार बार पूछे, उनको उन्होंने कह दिया मैं ऑलरेडी रिप्लाई दे चुका हूँ. कुछ क्वेश्चन रिकॉर्ड से रिलेटेड थे, वो उसके बारे में 91 सीआरपीसी का नोटिस देकर वहां से रिकॉर्ड कलेक्ट करेंगे. ऐसा कहीं नहीं था कि किसी सवाल का इवेसिव या एम्बिगुअस आंसर सीएम साहब ने दिया हो. टोटल एक्सप्लेनेशन के साथ हर क्वेश्चन का जवाब दिया और उसको एक्सप्लेन किया.